जय हिंद जय भारत। देर न करते हम प्रश्न शेयर करते हैं। प्रश्न नंबर वन, महिलाओं के अंडाशय से मुख्य रूप से कितने प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं? देखिए दो, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दो, देखते हैं प्रश्न नंबर दो, बच्चा पैदा होने से पहले स्राव होने वाला हार्मोन्स का क्या नाम है? देखिए, रिलैक्सिन नामक हार्मोन मतलब बच्चा पैदा होने से पहले स्राव होता है। अब प्रश्न नंबर तीन देखेंगे, कौन सा हार्मोन महिलाओं में मतलब वर्म तथा पुरुषों में स्पर्म का उत्पन्न एवं विकसित करने का कार्य करता है? देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का हार्मोन का स्राव होता है। प्रश्न नंबर चार, सेक्स ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? देखिए, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव होता है। अब प्रश्न नंबर हम पाँच देखेंगे, कौन सा हार्मोन्स माँ के दूध की मात्रा को नियंत्रित करता है? देखिए, प्रोलैक्टिन मतलब हार्मोन दूध की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए, प्रसव पीड़ा में सहायक हार्मोन का क्या नाम है? आपका 5 सेकंड में स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रसव पीड़ा में सहायक हार्मोन का कार्य करते हैं। देखिए, उत्तेजक हार्मोन के पिट्यूटरी रिलीज को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? देखिए, गोनाडोट्रोपिन मतलब उत्तेजक हार्मोन के पिट्यूटरी रिलीज हार्मोन से मतलब हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। देखिए, प्रसव स्राव के संबंध में पीयूष ग्रंथि को संदेश देने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? इनहिबिन। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, कुहले वक्षस्थल जननांग आदि में वसा का विस्तरण मतलब किस हार्मोन के कारण होता है? देखिए, इस्ट्रोजिन के कारण मतलब सभी जगहों पे वसा का विस्तरण होता है मतलब फैलता है। देखिए, प्रश्न नंबर 10, लिंग के मांसपेशियों तथा अस्थियों के आयतन का बढ़ना किस हार्मोन के कारण होता है? देखिए, टेस्टोस्टेरोन के कारण लिंग के मांसपेशियों तथा हड्डियों का आयतन बढ़ता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें और बेल आइकन को दबाना बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे।